दोस्तों आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी पीछे छोड़कर आज एशिया का सबसे अमीर इंसान है और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा था जब उन्होंने चावल में रहा करते थे और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ा। शायद अब आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी की। कैसे उन्होंने बेहद कम समय में फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा। दोस्तों जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण दुनिया ने ठोकर मारी थी, आज वो एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले बिजली से लेकर रसोई की तेल से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बेहद कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अदानी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गौतम अदानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन है, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ काफ़ी उद्योगपतियों से कई ज़्यादा है। क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अदानी ने सिद्ध किया, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ साथ अदानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरी मन से पूरे शिद्दत से पूरा किया और सफल होते चले गए। लेकिन उनके फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ था। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए जिसकी वजह से गौतम अदानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहाँ नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है, इसीलिए वो नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और ज्वेलरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब 1981 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चा माल को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत थी। गौतम अदानी ने इसे अवसर के तौर पर देखते हुए कैंडल पोर्ट पर ही इसकी आयात शुरू की। 1988 में शुरू की गई कंपनी अदानी एक्सपोर्ट को बदलकर बाद में अदानी इंटरप्राइज कर दिया गया। इसमें मेटल एग्री प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में अदानी इस बिजनेस में एक बड़ा नाम बन गई और फिर 1994 में अदानी इंटरप्राइज को सीआर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का, ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी। क्योंकि उस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अदानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया, इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। बाद में इस कंपनी के पास गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्य में लगभग 13 डोमेस्टिक पोर्ट है। इसी तरह अदानी अपना कारोबार फैलाता गया और पैसे अकाउंट में आते चले गए। जिस अदानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी ग्रुप ने इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोना को खूब तपाया जाता है,
ठीक उसी तरह गौतम अदानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाकर एक अलग मुकाम हासिल की, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अदानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अमीरों की लिस्ट में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रईस आदमी बनने वाले हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।